नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र दुबे और प्लान माय स्टेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका आने वाला साल मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें और आपके घरों में ढेर सारी खुशियां आएं। दोस्तों, दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जहां पे 20-25 दिन पहले से ही हम घर की सफाई शुरू कर देते हैं, एक एक कोना साफ करते हैं। हम देखते हैं किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या तो उन्हें दुरुस्त करेंगे या फिर उन्हें घर से बाहर कर देंगे ताकि नई चीज़ें आ जाएं। तो दिवाली साफ सुथरा करने का त्यौहार है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे खुशियाँ आती हैं, लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इसी सोच के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं जहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक अलग तरह की सफाई की, अलग तरह के रीऑर्गेनाइजेशन की। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों हम बात करेंगे खास 5 सफाई की जो हमें अपने जीवन में लानी चाहिए। ये अलग तरह की सफाई है, ये अलग तरह का रीऑर्गेनाइजेशन है। इससे हमें तो फायदा होगा ही, पर हमारे बाद हमारे परिवारजनों को भी बेहद फायदा होगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है अपने सारे इन्वेस्टमेंट, सारे अकाउंट्स, सारे प्रॉपर्टीज सबको एक जगह लिखना, या एक एसेट रजिस्टर जिसे हम कहते हैं, वो मेंटेन करना। जी हाँ, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे अकाउंट्स खोले होंगे, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए होंगे, छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी अलग शहरों में। तो ये पहला और बेहद ज़रूरी स्टेप है जहां हमें हर चीज़ को लिस्ट डाउन करना चाहिए, या एक किसी रजिस्टर में या कोई एक्सेल फाइल में या क्लाउड पे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं या हमारी वाइफ हैं, उनको पता रहे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है, हमारा अकाउंट कहाँ कहाँ पे है। ये बहुत ज़रूरी है। बाद में जो पूरा प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन का, डेथ के बाद में जो प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन का, उसमें ये बेहद काम आता है दोस्तों। तो पहला और ज़रूरी चीज़ है एक अच्छा एसेट रजिस्टर मेंटेन करना, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एसेट रजिस्टर को अपने घर वालों को बताना, अपने वाइफ या अपने बच्चों को बताना कि ये चीज़ें यहाँ यहाँ पे हैं और इन चीज़ों के लिए ऐसे हम अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा है कंसोलिडेट करना, मतलब जितने भी आपके अकाउंट्स हैं या छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम बहुत सारे फोलियोज में इन्वेस्ट करते हैं, कोई वेल्थ मैनेजर आता है तो थोड़ा उसके साथ कर लिया, कोई और ब्रोकिंग फर्म वाला आया तो थोड़ा उसके साथ कर लिया, इंश्योरेंस पॉलिसीज बहुत सारी ले ली, अलग शहरों में हमने कई बार छोटे छोटे एसेट्स ले लिए। तो एक समय के बाद हमें इन्हें कंसोलिडेट करना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू एडिशन से ज़्यादा ये न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं जब एग्जीक्यूशन होता है। तो एक एक चीज़ को देखना चाहिए, क्या हमें इस अकाउंट की ज़रूरत है, क्या हमें इस इन छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्या इतना ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी करना ठीक है। तो कॉन्शियसली कोशिश करें कि हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने अकाउंट्स को, अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट करें, जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को रखें, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है या जिन अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है उन्हें क्लोज कर दें। तीसरा और बेहद ज़रूरी है डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क। जी हाँ, इस चीज़ में बहुत सारे लोग लेजी होते हैं, पेपर वर्क पूरा नहीं करते। खूब सारे अकाउंट्स हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, प्रॉपर्टी है, लैंड है, फ्रेंड्स के साथ इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, किसी को लोन दे के रखा हुआ है, लेकिन अगर आपने पेपर वर्क ठीक नहीं रखा, अगर आपने वो लोन डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं रखा, या आपने वो एग्रीमेंट ठीक से नहीं किया उस प्रॉपर्टी का या उस लैंड का, तो ये सब बेकार हो सकता है। मैंने खुद देखा है एग्जीक्यूशन करते वक्त कुछ केसेस में, जहाँ पे कि किसी ने फ्रेंडली टर्म्स में लोन दिया है किसी को फॉर अ प्रोजेक्ट, पर जब इनकी डेथ हो गई तो उस फ्रेंड ने हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ पैसा तो इन्होंने दिया ही नहीं है। और जब पेपर वर्क नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं। तो
इसीलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे अपने फाइल्स को देखें, कहाँ पे कौन सा पेपर मिसिंग है, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है, कौन सा लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करना है, देखें कहाँ नॉमिनेशन पूरा है कि नहीं है, विल लिखना है विल लिखिए, कहीं पे गिफ्ट डीड करना है गिफ्ट डीड करिए। तो समरी ये है कि रेगुलर बेसिस पे अपने सारे पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट रखिए। और चौथा पॉइंट है डिजिटाइजेशन का। जी हाँ, धीरे धीरे सब चीज़ें अभी ऑनलाइन होती जा रही हैं, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स अब डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए या तो फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी हो गई, बैंक अकाउंट्स हो गए, सब अभी डिजिटली आपको ऑनलाइन एक्सेस दे रहे हैं, और स्टेटमेंट्स और बाकी चीज़ें भी आजकल ऑनलाइन और सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में आ रही हैं। तो जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं फिजिकल फॉर्म के साथ साथ हमको इन्हें डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट करना चाहिए, और अगेन ये बताना चाहिए अपने नियर एंड डियर वंस को कि यहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट स्टोर्ड है। ये एसेट रजिस्टर के साथ होता है जहाँ पे अगर आप एसेट रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और डॉक्यूमेंट कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ये भी आप बता के रखते हैं। तो दोस्तों पांचवा और आखिरी पॉइंट है रिलेशनशिप्स। जी हाँ, हमारे वो पुराने दोस्त, हमारे वो खास रिलेटिव्स तो शायद हमसे नाराज हों, कुछ अगर मनमुटाव हो तो उनसे बात करके जो भी इशू है या जो भी ग्रजेस हैं उनको क्लियर करना चाहिए समय समय पे, क्योंकि हम आम जिंदगी में आगे चलते रहते हैं लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देते। हम ये भूल जाते हैं कि ये खास रिलेशनशिप से खास दोस्त हमारे कितने प्रिय थे एक समय पे, कितना इन्होंने हमारा साथ दिया था। और जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं फिजिकल चीज़ों की, अपने रिलेशनशिप्स पे भी काम करना चाहिए ताकि हमारा जीवन आगे के लिए सुखद हो और हम खुशी से रह सके। बिकॉज अगर रिलेशनशिप्स ख़राब होंगी, अगर कहीं मन में ये खटक होगा कि नहीं ये हमसे खफा है या हमने कुछ ग्रजेस पाल रखे किसी के अगेंस्ट, तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए रिलेशनशिप में भी इन्वेस्ट करिए, उनको क्लीन अप करिए, उनको रिविजिट करिए, उनको पता करिए कि क्या इशू है क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये था हमारा दिवाली पे खास वीडियो जिसमें हमने एक अलग हट के बात किया एस्टेट प्लानिंग का टॉपिक, बट एक अलग एंगल से एक दिवाली के पर्सपेक्टिव से हमने देखा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम और भी ढेर सारे अच्छे अच्छे एस्टेट प्लानिंग से रिलेटेड मैटर पे वीडियो बनाएंगे। दोस्तों नमस्कार।